ऑफिशियली इस बिल का नाम है द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। इसको तैयार किया गया है यूपी के जो लॉ कमीशन के द्वारा इसको तैयार किया गया है और इसको फिलहाल पब्लिक डोमेन में रखा गया है, यानी कि जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वहाँ पर इसको पब्लिक फीडबैक के लिए रखा है। आखिरी डेट है आपका 19 जुलाई, तो 19 जुलाई तक आप इस पर फीडबैक दे सकते हैं, तो आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हो सके तो यूपी असेंबली में मॉनसून सेशन में इसको रखा जा सकता है पास करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि आखिर यूपी गवर्नमेंट ने क्यों यहाँ पर लाया, क्यों यूपी गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई कर रही है, इसके रीज़न क्या है। ओके, जस्टिफाइंग द प्रपोजल्स। यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि देयर आर लिमिटेड इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज एट हैंड। ये तो सही बात है, हर जगह आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो या इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हो, कोई भी रिसोर्स हो, वो आपको लिमिटेड मिलती है। तो यहाँ पर ये कहना है कि जो ह्यूमन लाइफ है उनकी नेसेसिटीज या बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं, जैसे कि अफोर्डेबल फूड, ड्रिंकिंग वाटर, डिसेंट हाउस, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, इकोनॉमिक और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, पावर और इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन एंड सिक्योर लिविंग, ये सभी के सभी जो है एक लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू फुलफिल होते हैं। तो अगर पॉपुलेशन एक अनकंट्रोल्ड मैनर से अगर बढ़ती जाती है तो फिर जो पॉपुलेशन है या जो सिटीजन है वहाँ के, उनको ये बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई हमें ये जरूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन रखने के लिए हमें पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना होगा और उसे कंट्रोल भी करना होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम आज की जरूरतों को पूरा करते हुए हम अपने फ्यूचर के लिए भी उतना छोड़ के जाएँ ताकि उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो पाए। तो जब आज पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो ये आपके जो रिसोर्सेज होंगे वे एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, देन आप आने वाले जनरेशन को किस तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। इसके साथ साथ और भी बातें यहाँ पर कही गई कि इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर हेल्दी बर्थ स्पेसिंग थ्रू द मेजर्स रिलेटेड टू ऑगमेंटिंग द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ क्वालिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। यानी कि यहाँ पर बर्थ की बात हो रही है तो दो बच्चों के बीच में एक टाइम स्पेसिंग भी होनी चाहिए, उसके साथ हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए उसकी अफोर्डेबिलिटी भी हो, यानी कि सभी लोग उसको अफोर्ड भी कर पाए, अवेलेबल भी होना चाहिए। इन सारी चीज़ें के लिए भी आपको अगेन पॉपुलेशन कंट्रोल या स्टेबलाइजेशन पर आपको रिलाई रहना पड़ेगा। तो ये सब कुछ रीजन्स है जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं कि हम इस वजह से हम पॉपुलेशन कंट्रोल के ये टू चाइल्ड पॉलिसी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बातें हैं जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जस्टिफाई की गई हैं कि इनका रीज़न क्या है। अब यहाँ पर इस बिल के तहत गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली है इन जनरल, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया कि मैटरनिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे, ठीक है, एट एवरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। हर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर एक मैटरनिटी सेंटर बनाया जाएगा और ये मैटरनिटी सेंटर जो होंगे वो एनजीओ के साथ मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटर और एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो प्रेगनेंसीज होती हैं या डिलीवरीज होती हैं या बर्थ या डेथ होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा फॉर्मल तरीके से सारे करने की बात हो रही है। साथ ही साथ ये जो सेंटर्स और एनजीओस होते हैं इनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू डिस्ट्रीब्यूट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्डम्स एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग थ्रू द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। ओके, तो ये सारा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होगा जो गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाएगा। साथ ही साथ एक स्टेट पॉपुलेशन फंड भी बनाया जाएगा टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। तो इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, उसके लिए एक फंड बनाया जाएगा जिसमें गवर्नमेंट जो होगी वो इन्वेस्टमेंट करेगी। ओके, यहाँ पर यह भी सरकार द्वारा कहा गया कि एक कंपल्सरी सब्जेक्ट लाया जाएगा रिलेटेड टू पॉपुलेशन कंट्रोल इन ऑल सेकेंडरी स्कूल्स, यू नो, सेकेंडरी स्कूल, चाहे वो आपके गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हो या फिर आपके प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल हो, इन सभी सेकेंडरी स्कूल में पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड एक कंपल्सरी सब्जेक्ट को भी रखा जाएगा। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे या गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है और वो प्रोवाइड करेगी। इसके बाद बात आती है
थर्ड पॉइंट की कि अगर इसका वियोलेशन होता है इस पॉलिसी का तो यहाँ पर आपको कौन से पनिशमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक कहा गया कि ही और शी जो भी इसको वियोलेट करता है विल बी बेयर्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकल बॉडीज पोल्स, यानी कि लोकल इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते, चाहे वो अर्बन इलेक्शन हो या फिर चाहे रूरल लोकल इलेक्शन हो, वो आप नहीं लड़ पाएंगे। एंड ऑल्सो फ्रॉम अप्लाइंग फॉर और गेटिंग प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब, आपको गवर्नमेंट जॉब में भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, या फिर गेटिंग की भी बात हो रही है, आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, रिसीविंग एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, ये भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि पीडीएस के थ्रू आपको जो सब्सिडाइज रेट पर अनाज मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, या फिर स्किल डेवलपमेंट होता है, या फिर मैटरनिटी बेनिफिट होता है, मनरेगा होता है, डिफरेंट थिंग्स है। जहां पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जहां पर भी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है वो सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। तो ये तीन तरीके के पनिशमेंट दिए जाएंगे अगर आप इसका वॉयलेशन करते हैं। तो इसके बाद फर्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट इस टू चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करता है या उसको फॉलो करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कहा गया कि जो पब्लिक सर्वेंट इसको फॉलो करेगा उसको अपने इंटायर सर्विस में दो एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, टू एडिशनल इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट क्या होता है, ये आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, या तो डीए हो सकता है, या फिर जो बेसिक सैलरी होती है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दो तरीके का इंक्रीमेंट होता है, जो कि मेनली आपको बेसिक जो सैलरी होती है उसमें ये इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो टू एडिशनल इंक्रीमेंट होगा। और जो वॉलेट नहीं कर जो वॉलेट करेंगे उनको ये इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि सैलरी भी ज्यादा होने वाली है। साथ ही साथ मैटरनिटी लीव और पैटरनिटी लीव दोनों यहाँ पर मिल सकते हैं, यानी कि एट द सेम टाइम ये दोनों नहीं मिलेंगे, एट द सेम टाइम एक ही मिलेगा। तो अगर मैटरनिटी बेनिफिट आपको लीव मिलता है तो आपको पैटरनिटी नहीं मिलेगा, अदरवाइज किसी किसी केस में मदर नहीं है तो वहाँ पर फादर भी हो सकता है, जैसे कि आपने किसी को अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपकी वाइफ नहीं या फीमेल कोई पार्टनर नहीं है तो उस केस में आप उसके फादर हुए, तो उस केस में भी आपको पैटर्निटी लीव यहाँ पर मिलेगा। और ये जो लीव होगा वो 12 महीने तक लीव यहाँ पर दिया जाएगा विद फुल सैलरी एंड फुल अलाउंस। जो भी सारी चीज़ें आपको एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में मिलती है पूरे सैलरी अलाउंस के साथ ही आपको 12 मंथ्स का पैटर्निटी और मैटर्निटी लीव मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये देखेंगे कि जो नेशनल पेंशन फंड होता है उसके तहत जो एम्प्लॉयर ये जो कंट्रीब्यूशन जिसमें किया जाता है इसमें भी 3% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको 3% एक्स्ट्रा उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा। ये जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड होता है उसमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको ये भी हेल्थ बेनिफिट में मिलने वाला है, यानी कि मैटरनिटी और पेटर्निटी, इसके अलावा आपको सैलरी में भी 2 इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके साथ जो आपका पेंशन फंड होता है इसमें भी आपको 3% का यहाँ पर एम्प्लॉयर की तरफ से, यानी कि जिसने जॉब आपको प्रोवाइड किया है उसकी तरफ से भी 3% का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। नुकसान काफ़ी अब ये ज़्यादा है, खास करके अब सभी इलेक्शन तो नहीं लड़ते उसकी बात ये है, लेकिन ये जो एक सेकेंड पॉइंट है जहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी और प्रमोशन में भी आपको दिक्कत होगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फोर हेड में इस बिल को रखा गया है। दिस इज़ अ ड्राफ्ट, अभी ये ड्राफ्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि 19 जुलाई तक इसको रखा गया पब्लिक फीडबैक के लिए वेबसाइट पर, अब जाके फीडबैक दे सकते हैं, उसके बाद अगेन हो सकता है कि मॉनसून सेशन में इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाएगा। ठीक है, तो आजकल हर जगह बातें चल रही है इसकी, चाहे हम आसाम में भी देखा, यूपी में भी आया। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे और भी स्टेट हो सकते हैं इस चीज़ को अपनाएं। ओके, तो इसको याद, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप, हो सकता है कि कभी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात है वहाँ पर ये सारे रिकमेंडेशंस अगर आपको लिखने हो तो इसमें से कुछ बेनिफिट्स वाले चीज़ें हैं या वायोलेशन वाली चीज़ें हैं, या फिर क्यों हमें फॉलो करना चाहिए, सरकार के द्वारा ये दिया गया है ये ऑथेंटिक है बिल्कुल, इसको भी आप आंसर में लिख सकते हैं, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नाउ नेक्स्ट टॉपिक में। नाउ थैंक यू एंड गुड लक।